वंदन कर श्री हरिदास प्रसन्न लड़ाऊ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि सुज सुविहारिंदा विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि सुज सुविहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुकुचा बिगरी ले संहार के मेरी कुंज बिहार बिगरी ले सवार के मेरी कुंज बिहार और मैं सो कर सके और न सो कर सके अपन को प्रतिपाल अनंत जन्म की फूल को अनंत जन्म की भूल को सुन में डारे को कुंज बिहार लाड़ी तुमसे सब कछु श्री कुंज बिहार लाड़ी तुमसे सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी प्राण मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी प्राण जान नदी जो जगत में अर्शन पद सुख जान नदी जो जगत में पद सो पद सुख दान जो बिगरेगी रावरी होई भगत कुमार जो बिगरेगी रावरी होए भगत उपहार ताते तुम सो कहतुं एच आपने पास ताते तुम सो कहतुं एच अपने पास भूल छुड़ाओ लाड़ी समझ दियो भरपूर भूल छुड़ाओ लाड़ी समझ दियो भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सभी यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सभी बनो मेरी लाज लाड़ी तो ही सभी तिहारे हाँ मेरी लाज लाड़ी तो ही सभी तिहारे हाँ बिहारी दास अवन आंगत तुमरे चरण कमल बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल ममना श्री हरि जी महाराज की जय स्वामी जी की वृंदावन चंद्र की समस्ताचार्य वृंदन की जय गुरुदेव चरणारविंद की जय वचन का सिद्धांत की श्री ललित किशोरी देव जी महाराज जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास आचार्य प्रवर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज हम आश्रित जनों के लिए पूर्व प्रसंग में 29 और 30वें प्रसंग में भली भांत जो है
साधकों के लिए बताया कि भैया विवेकी को व्यवहार में कैसे रहना है, अपने आप को बचाते हुए हरि शरणागति में अपने मन को तत्पर रखें, संसार के आवरण से अपने आप को बचाता रहे। आज के प्रसंग में अनन्य उत्तम भक्ति के लक्षण 31वें सिद्धांत में अवर्णन करते हैं। अवनन्य के लक्षण माने मनोवच काय स्वरूप जाने। मनोवच कर्म इष्ट गुरु के स्वरूप में सावधान। महाराज जो अनन्य उत्तम भक्ति के लक्षण बताते हैं कि मन वच कर्म इष्ट गुरु के स्वरूप में सावधान और सब जीवन को सुखदाता, सब ठोर सो गुण ले और गुण न ले। बोलो समझू अवगुण तो लीजे नहीं गुण में कीजे सी, गुण को तजियो गुण लहते हैं बीती। हमको कहीं से भी अवगुण नहीं लेना है, ये समझना है कि सबके अंदर हमारे बिहारी बिहारी में हो कासों बैर करो ऐसे कहे पुकारे श्रीमुख घटघट मुख बिहारों। किसी का संग भी नहीं करना है और प्रयास भी नहीं करनी है कि हमको सबके पास जाना है, ये नहीं। लेकिन किसी में अवगुण नहीं देखना है, ऐसा मानना है कि सब कुछ हमारी हरि की सत्ता है, हमारे बिहारी बिहारन जो है विराजमान है, उन्हीं की सत्ता है। तो मन वच कर्म इष्ट गुरु के स्वरूप में सावधान रहे। बोलो स्वामी जी। मन ते वचन ते तन ते जो कछु क्रिया की हरि समर्पण हरि भजन नित्य हरि भजन कह दीन, ऐसे कुछ महाराज ने बताया है आचार्यों ने कि मन से वचन से और शरीर के द्वारा कोई भी क्रियाएं होती हैं वो अपने इष्ट के हित में, और जो कोई प्रारब्ध अनुसार और कोई दुख सुख आए उनको अपने इष्ट की इच्छा समझ के कि ये मेरे बिहारी जी महाराज की दी हुई कृपा प्रसाद है, उसमें घबराना नहीं, ये हित का सेवन। रो बिहारी जू तो मन से वचन से और तन की क्रिया से इष्ट गुरु के स्वरूप में सावधान रहे। किसी प्रकार से किसी भी स्थिति में और अपने को चंचल न करें। तो महाराज ने बताया सब जीवन को सुखदाता रहे, ये समझते रहना है। काऊ जीवन दू कहीं यही संतन की रीत, भजन यह सेवा यह यही सुहर सुप्रीत। भजन भी यही है, सेवा यही है और यही प्रभु से प्रेम है कि हमारे द्वारा किसी जीव को दुख न मिले। आचार्य मानुभाव इस रहस्य को बार बार समझाते हैं। बोलो स्वामी जी। मान लीजिए तुम इष्ट के अनन्य हो, तो इष्ट के अनन्य होने का मतलब यही है कि अपने इष्ट के शरणार्थ में तो अनन्य भाव है ही, लेकिन हमारी किसी कृति के द्वारा और किसी को दुख न पहुंचे। एक विषय ये होता है कि हम अनन्य भाव में दृढ़ हैं,
और कोई जो है हमको बुलाना चाहता है, अपने व्यवहार में हमको तल्लीन चाहता है, उनके संसार आसक्त व्यवहार हैं अथवा अन्य देवों की उपासना रत व्यवहार हैं, तो इस विषय में अगर कोई दुखी होता है तो हो, उससे हमको गम नहीं है। हमको वो व्यवहार करना है जो हमारे इष्ट की साधना में, सिद्धांत में, और वो जो है सहायक हो। अन्य व्यवहार करने से हमारे इष्ट की साधना में जो है हानि पहुंचती है, वो व्यवहार नहीं करना है। लेकिन किसी को हमको कष्ट नहीं देना है, लेकिन धर्म के पक्ष को लेके कोई अगर मन से दुखी होता है, मन से दुख पाता हमारे यहाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए, इस विषय में कोई दुखी होता है तो होने दो। बोलो बिहारी जो, हमको अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना है, लेकिन ये हमको समझना है, ये संतों की रीति होती है, सबके न्यारे और सबके प्यारे। धर्म की आरूढ़ता को जड़ रखने में, धर्म की पुष्टता रखने में कोई अपने आप ही दुख पाता, वो विषय अलग है। बाकी संत भक्त एक एक क्षण पे सोचते रहते हैं, हे बिहारी जी महाराज, सबके अंदर आप विराजमान हो, हमारे द्वारा काऊ को कष्ट नहीं पहुंचे। स्वामी काऊ जीवन दुखही, यही संतन की ही, भजन यह है, सेवा यह है, यही सुहर संत। यथार्थ में पूछा जाए, जो नहीं होते संत तो जर मर तो संसार। मूल में मान लीजिए कोई व्यवहार में बुला रहा है और हरि के अनन्य संत भक्त अपने साधन की हानि होने के कारण उसके संसार आसक्त व्यवहार में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं। जब हम एक सूक्ष्म गति से पहचानेंगे तो ये भी उसका हित है, क्रमशः हित है, क्योंकि संत भक्तों की प्रत्येक क्रिया संसार के हित में होती है। आचार्य जन बताते, संत महापुरुष बताते रहे एक बार, कि जो भी जहां भी सुख प्राप्त हो रहा है सबको, ये संतों की कृपा से हो रहा है। बोलो बिहारी जी, इनके भजन के प्रताप से, इनकी हरि के शरणार बिंदों में दृढ़ता है, तो इन संत भक्तों की कृपा से ही सब जीवों का, अनंत जीवों का, सारी सृष्टि का जो सुख का संचालन है, इनकी कृपा से ही होता है, ऐसे वापस बताते। तो ये तो अपने सिद्धांत में जो दृढ़ है, चाहे संसार को ऐसा लगे कि हमारे यहाँ नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, तो ऊपरी उनको दुख लगे, लेकिन यथार्थ में पूछा जाए सूक्ष्म भाव में, तुम उनके हितेशी हो, उनके जो है बिगाड़ने वाले नहीं। बोलो बिहारी जी, प्रसंग आता है, हमारे श्री पूज्यपाद जी महाराज रहे हजार सेवा संस्थान के संस्थापक, आपने अनन्य भक्ति का विशेष जो है प्रचार किया, महाराज का सानिध्य इस दास को काफी प्राप्त हुआ, उनकी बड़ी कृपा प्राप्त हुई। तो उनके जीवन में हमने संतों से सुना, जिस समय उनके पूर्व आश्रम स्थित पिताजी और उनका निधन हुआ, तो निधन के पहले उन्होंने याद किया कि मोह को जो है श्रीधाम वृंदावन में रहने वाला मेरा पुत्र जो साधु हो गया है, यानी महाराज पूज्यपाद जी श्री विश्वेश्वरदास जी महाराज के प्रति उनकी भावना कि जो साधु हो गया है वो मुझसे अब मिलना चाहिए, क्योंकि अब मेरे शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। तो संतों के मुख से सुना हमने, पूज्यपाद जी से तो हमने इस विषय में बात नहीं करी, उनसे प्रार्थना नहीं करी, लेकिन संतों के मुख से सुना कि पूज्यपाद जी के पास सूचना आई, तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि भैया
उनका हित नहीं है। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे उनसे मिलने के लिए तो इसमें उनका हित नहीं है, चाहे वो अपना हित मान रहे होंगे कि हमारे पास नहीं आया। अगर हम नहीं जाएंगे उनके पास तो उनकी जो मन की इच्छा है, मनसा है, वो सूक्ष्म स्वरूप से वृंदावन में बसी रहेगी। सो उनका क्रमशः कल्याण होना संभव है और हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमारी भी हानि, वृंदावन धाम छूटेगा और उनको कोई लाभ नहीं है। तो लाभ इसमें है कि बराबर उनका चिंतन बना रहेगा वृंदावन जी के प्रति कि मेरा बेटा वृंदावन धाम है, तो सूक्ष्म गति से वो जीवात्मा सूक्ष्म स्वरूप से तो वृंदावन की शरण ग्रहण तो करेगी इस भाव से, तो इसमें उनका लाभ है। और हम वहां पहुंच जाएंगे तो वो तृप्ति हो जाएगी, हाँ हमारा बेटा मिल गया, वह छुट्टी, उनका चिंतन समाप्त हो जाएगा और हमारा भी काम बिगड़ जाएगा। इस तरीके से श्री पूज्यपाद जी महाराज और श्री धाम वृंदावन से अखंड वासी थे ना महाराज, श्री पूज्यपाद जी, श्री मुखिया जी आज और श्री तृतीय स्थान वाले हमारे श्री परम गुरुदेव जी महाराज आदि आज कई एक महापुरुष जो है अखंड वासी थे, श्री राम वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे। इन नित्य सिद्ध महापुरुष, इन हमारे इस दास भैयानी हम दासों पे इन महापुरुषों ने बड़ी कृपा करी, इनका सानिध्य प्राप्त हुआ, इनका उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि इनकी ऐसी रीति थी कि वृंदावन से बाहर नहीं जाते, तो इसमें हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इसमें उनका हित हुआ। अगर चले जाते तो उनको ऊपर पट्टी कुछ सुख दिखाई पड़ता 10 मिनट का 5 मिनट का, लेकिन वास्तविक जो सदैव रहने वाला जो हित है वो जो है स्थापित नहीं होता। तो ये संत भक्त ये चाहते हैं संसार का इस तरह किसी कल्याण का मार्ग खुले जो सदा सदा के लिए जारी रहे। बोलो स्वामी जू। तो अनन्य उत्तम भक्ति के लक्षण, मन वच कर्म इष्ट गुरु के स्वरूप में सावधान और सब जीवन को सुखदाता, सब ठोर सो गुण ले और गुण न ले। स्वामी जो विषय है अनन्य भाव का, अनन्य भाव के लिए आप लोगों से बहुत कुछ क्रम क्रम से टूटे फूटे शब्दों में बताते रहते हैं और भी आज विषय समझना है। लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो माला धारी, अपनों पत छाण और न सूरती, जो दारिन में दारी, श्याम कहते जी मूर्ति विमुख बहे, सो कौन जिन दूसरी कर डारी, कहें श्री हरिदास जग देवता, पितरन को श्रद्धा भारी। श्री स्वामी हरदास जी महाराज बोले, लोग तो भूलें भले भूलें, जो शरणागत हैं, जो हरि शरणागत हैं, अपने आप को शरणापन्न कर रखा है, उनके प्रति लक्ष्य करके बोले, हे मालाधारी हो, जो संसार आसक्त जीव है, जो हरि शरणापन्न नहीं है, जो गुरु शरणापन्न नहीं है, जिनके गले में गुरु दत्त कंठी धारण नहीं है, मस्तक पे रज का तिलक नहीं है, श्री हरदास नाम मुख में नहीं है, वो अगर भूले तो भूलो, मुख में श्री हरदास नाम हो, गले में तुलसी की कंठी हो, ज्वलर और मस्तक पर रज का तिलक हो,
पूरा तिलक अगर नहीं लगा सकते हैं तो बिंदी भर हो, ज्यादा नहीं, गले पे बिंदी हो, मस्तक पे बिंदी हो, जैसा भी जितना भी रज का सेवन हो सकता है उतना ही थोड़ा है। तो ये तीनों तत्व ये साक्षात अमृत स्वरूप है। बोलो स्वामी जी। संकोच करते करते बहुत जनन बीत गए, रज लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए भैया, ज्यादा मत लगाओ तो एक बिंदी तो लगाए लो, पूरा तिलक स्वरूप नहीं लगा सकते हैं तो भाव में जल का तिलक कर लीजिए किसी कारण से, यद्यपि संकोच नहीं करना चाहिए पर फिर भी नहीं मन मान रहा है तो रज का तिलक न करके जल का कर लीजिए पूरा तिलक, द्वादश तिलक, और बाकी रज की बिंदी दर्शित होनी चाहिए, सब कुछ दिखनी चाहिए, तो इससे तुम्हारा कल्याण तो है ही लेकिन और भी तुम्हारे कोई दर्शन करेगा और रज के तिलक के और कंठी के दर्शन करेगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा। संत भक्तों का एक एक पद, एक एक क्रिया वो सबके कल्याण में होती है। बोलो स्वामी जो तिलक की बहुत बड़ी महिमा है, रज की बहुत बड़ी महिमा, मह पाल रजु अभिषेकम, बहुत बड़ी महिमा। तो नाम जाप, मुख से नाम जाप, गले में तुलसी जी की कंठी और मस्त पे रज का तिलक, एक दिन गले में बक्के स्थल पे जितना भी रज का सेवन कर सकते हो, स्नान करते समय गोप्य रूप से बक्के स्थल पे रज का अल्प मात्र में लेपन कर लेना चाहिए, अल्प मात्र में, जिससे हृदय जो स्थित विकार हैं वो क्रमशः रज के प्रभाव से और जो भाव के बनेंगे, ये रज का सेवन है। प्रकट में जो है मस्तक पर छोटी सी बिंदी अधिक नहीं लगा सकें तो रज की अवश्य, और पूरा तिलक अगर लगता है गुरु प्रदत्त परंपरागत पूरा तिलक लगता है रज का, सुंदर रज तिलक भाल बांकी भक्ति विशाल, फिर तो कहना ही क्या। बोलो स्वामी जी। तो ये संकोच नहीं करना है, शर्म नहीं करनी है, जाने करी शर्म और बाकी फूटे कर्म, ये कहावत कहते आए सामान्य पुरुष, भैया जाने शर्म करी तो समझो बाको काम ही बिगड़ गया। कब तक शर्म करोगे, तब तक करोगे, शर्म ने तो सारे काम ही बिगाड़ दिए। व्यादास यदास को संसार के उदास, जिनको वस्तु की जरूरत है वो संसार के कारण और किसी संसार के संकोच के कारण लज्जा के कारण अपने को लज्जित नहीं करते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। व्यादास यदास को संसार कौन हो, दुर्लभ सुख सुलभ लयो लाज बड़ाई को, जो दुर्लभ सुख है वो सुलभता से प्राप्त हो जाता है, कब, जब लज्जा को और बड़ाई को हम खूंटी पे टांग देंगे, शर्म नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे। संकोच करना है, शर्म करना है संसार के दूषित व्यवहारों से, दूषित क्रियाओं से संकोच करना है, शर्म करनी, उनको छोड़ना है, त्यागना है, जो पकड़ने की वस्तु है उससे क्या शर्म करना, वो तो अमर स्वरूप है, उसको नहीं पकड़ेंगे तो अपने कार्य को हम बाधा पहुंचा रहे हैं, अपने कार्य को बिगाड़ रहे हैं। बोलो स्वामी जू। तो लोग तो भूले भले भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, ये मालाधारी हो जो संसार आसक्त जीव हैं वो भूले तो भूलन दो, तुम मत भूलो, परंपरागत अपने क्रियाओं को मत भूलो, अपनो पति छाण और सुमृति जो दारिन में दारी, आनंद भाव आप व्यक्त करने लगे महाराज, अपने पति को छोड़ के जो स्त्री औरों के साथ रति करती है उसको वेश्या कहते हैं, जो दारिन में दारी, वेश्या की गतली,
सब ही माने एक कर निश्चय की जो दारिन में दारी श्याम कहे ते जीव मूर्ति विमुख वही। बिहारी जी महाराज स्वयं कहते हैं वो जीव मेरे से विमुख हैं जिन दूसरी कर डारी जो मोको छोड़ के जो अन्य जगह मन को लगा रहे हैं। बिहारी जी महाराज कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं यज्ञ देवता पितरण को श्रद्धा भारी। यज्ञों में देवताओं में पितरों में इनमें श्रद्धा है और बिहारी जी महाराज के चरणारविंद में जो अनन्य भाव से भजन प्रायण होके और इस जीवन को सफल करना है उस रास्ते को लोग छोड़ देते हैं। यान्ति देवता देवान पित्र यान्ति पितृता भूतान यान्ति दूते ज्या यान्ति मध्या जनु अपी माम। जो भूतों का सेवन करता है भूतों को प्राप्त होगा, जो पितरों का सेवन करता है पितरों को प्राप्त होगा, जो देवता का सेवन करता है वो देवताओं को। हरी कहते हैं जो मेरा सेवन करता है वो मुझे प्राप्त हुआ। बोलो बिहारी जी। तो यज्ञ देवता पितरण को श्रद्धा भारी क्षुद्र सुख की लालसा से और देवताओं का यजन करते हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते। बोलो बिहारी जी। इसलिए बहुत सावधान रहना। कहें श्री अरदास यज्ञ देवता पितरण को श्रद्धा भारी उनको विमुख कहें श्री अरदास से जी मोते विमुख भई दूसरी कर डाली। जो यज्ञों में देवताओं में पितरों में जो श्रद्धा रखते हैं महाराज बोले वो उनको हरि विमुख कहा जाता है। महाराज के शब्दों में कोई सामान्य व्यक्ति के शब्द नहीं, वो हरि विमुख माना जाता है। बोलो बिहारी जी। सन्मुख नहीं जो सम्यक उपासना करते हैं वो भी अंधे हैं। अनन्य भाव से उपासना करनी चाहिए। बिहारी जी महाराज का स्वरूप जानकारी स्वामी जी का स्वरूप जानकारी नहीं हुई और भगवत स्वरूपों के शरणार बिंदों में रसी कर ले, लेकिन क्षुद्र देवों की उपासना नहीं करनी चाहिए, पितरों की उपासना नहीं करनी चाहिए। रोज स्वामी जो महाराज इस मर्म को जिसने हृदय में धारण कर लिया बार बार बताते रहते हैं उस जीवन में ही परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। रसिक अनन्य भये सुख पहिए एक पद श्री स्वामी व्यारण्य जी महाराज का कि भैया क्योंकि आज का प्रसंग अनन्य भक्ति की लक्षण अनन्य उत्तम भक्ति के लक्षण तो व्यारण्य जी महाराज इस विषय में कहते हैं रसिक अनन्य भये सुख पहिए। भैया तुमको सुख तभी मिलेगा जब तुम रसिक अनन्य हो जाओ। रस की उपासना और अनन्य भाव से करोगे तभी सर्वोपर सुख से सुखी होगी। जो युग सहज जन्म को टिकधर और उपाय नहीं है। अगर साधना करते करते करोड़ जन्म भी हो जाए फिर भी अगर अनन्य भाव से बिहारी बिहन की रस की भावना रस की उपासना सर्वोपर रस की उपासना को नहीं पकड़ेंगे नहीं करेंगे तो सर्वोपर सुख से सुखी कभी नहीं हो सकते। तो जो युग सहस जन्म पोषक धर और उपाय नहीं है। नित्य सुख को प्राप्त होने का दूसरा उपाय है ही नहीं तो रसिक अनन्य होगी। तप तीर्थ व्रत नेम होम संयम के श्रम उपजाइए। कोई तप कर रहा है तीर्थ कर रहा है व्रत कर रहा है नेम कर रहा है होम कर रहा है नाना प्रकार के संयम श्रमिक साधन नाना प्रकार के श्रमिक साधन
इंद्रियों का संयम तो बराबर करना चाहिए, इसमें कोई द्वारा नहीं, लेकिन अन्य जो साधन बताए श्रमिक साधन उनका अहंकार उनको हम करेंगे। महाराज बोले मतत कपास निराश मंद मत कहत काड़ जो खइए कोई मंद मती पुरुष। घी के लोभ में मुझे घी प्राप्त हो जाए, मुझे घी खाना है और कपास को मथता है, तो कपास को सूखी कपास को मथने से उसको घी प्राप्त नहीं होगा, उसका भ्रम है। बाड़े भले भूख भर मन के फल पाए न अधये। उसी प्रकार नाना प्रकार के श्रमिक साधनों में शुष्क साधनों में रत होने से अनन्य भक्ति शून्य अनन्य भक्ति रह जो शुष्क साधन है उनमें रहने से हरि के चरणारविंदों का जो नित्य सुख है वो प्राप्त नहीं होगा। भैया तो बाड़े भले भूख भर मन के भ्रमों की भूख और बढ़ जाएगी, भ्रम बढ़ जाएंगे और ऐसा लगेगा अब हमारी पूर्ति होगी, अब हमारी पूर्ति होगी ये नाना प्रकार के साधनों में करने से, लेकिन पूर्ति नहीं हो सकती है। ओस की बूंद प्यास न भाजे और जबलों हरि सागर नहीं साजे। ओस की बूंद से प्यास की तृप्ति नहीं कर सकते हो जब तक अनन्य हरिभक्ति सुख प्राप्त नहीं। तो बाड़े भले भूख भर मन की फल पाए न अघई तृप्त नहीं हो सकते हो इनके फल से, ये तो जो है क्षणिक फल कुछ नहीं है। ये श्रमिक जितने भी श्रमिक साधन है हरि भक्ति अनन्य भक्ति शून्य, ये दृष्टांत प्रगट कर कंकन दर्पण काय दिखाइए। महाराज बोले ये जो हम दृष्टांत दे रहे हैं, घी का दृष्टांत दिया और तप तीरथ व्रत नैम होम ये श्रमिक साधन करने से जो है हरि की प्राप्ति नहीं होती है, अनन्य हरि भक्ति करने से ये हरि सुख प्राप्त होता है, आज सारी बात बताई। ये दृष्टांत प्रकट कर कंकन दर्पण का ही दिखाइए। जैसे किसी के हाथ में कंकन है तो कंकन तो आंखों से अपने आप ही दिख रहा है, उसको दर्पण दिखाने की क्या जरूरत है? दर्पण तो उसको दिखाया जाता है जहां आंखों की दृष्टि नहीं पहुंचती। मान लीजिए माथे पे बिंदी है तो वहां आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए दर्पण का उपयोग होता है। जब हाथ में कंकन है तो वो तो अपने आप ही समझ लेना है। तुम्हारा बोले ये दृष्टांत प्रकट कर कंकन दर्पण काय दिखिए। उसी प्रकार इन शुष्क साधनों में रत रहने से हजारों वर्ष भी और परम नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ये तुम अपने आप समझ लो बहुत से उदाहरणों के द्वारा। ये महाराज इसमें दर्पण दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत उदाहरण है ग्रंथों में। बिहारी दास लीजे तब कहाल जो कल्लर भुसुबई। महाराज बोले एक तो कल्लर भूमि ऊसर भूमि उपजाऊ भूमि नहीं है, और ऊसर भूमि में भूस बया जाए, गेहूं चना ये दाने नहीं बह जा रहे, उसमें भूस बया जा रहा है। एक तो कल्लर भूमि है और उसमें सूखा भूस बया जा रहा है, और फिर आशा कर रहे हैं कि हमको गेहूं चना ये कण प्राप्त हो जाए। महाराज बोले इस तरीके से ये लोग जो है नाना प्रकार के श्रमिक साधन करने के उपरांत और परम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, निश्चित मान भावों के चरणों में बैठते ही नहीं है, चरणों का आश्रय नहीं है। रसिक अनन्य भये सुख पल, और सुख मिलेगा कब? जब तुम रसिक अनन्य होगी तब इसी जन्म में उसी क्षण ततक क्षण वो सुख की प्राप्ति और सुख की अनुभूति होने लग जाएगी। जिनके मन आनंद भाषा वो सहज सिद्ध गए जगत भाषा, जिनके मन में
आनंद का आभास मात्र भी हो गया वो जगत से उदास हो जाएंगे, उनको जो है शुद्धि की अनुभूति होने लगेगी। हाँ मैं परम प्रसन्न हूँ, मेरे पे बड़ी कृपा है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। बोलो स्वामी जू तू बिहारी दास लीजी तब कहाल जो कलर सुबई। ज्ञानेन्द्र जी महाराज आचार्य श्रोमणी दयालु कृपालु परम शिव सभी जीवों पर हित करने वाले आचार्य जन हरि महाराज कहते हैं हरि स्वरूप आचार्य बिहारी दास लीजे तब कहालो ने जो कल्लर घुस गई। कल्लर खेत में घुस देने से लुनी यानी कण प्राप्त नहीं होगा, गेहूं चना कण स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, ये अनभिज्ञता है। उसी प्रकार नाना प्रकार के साधनों में जो अनन्यता और भक्ति रस भक्ति शून्य साधन है उनको करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। बोलो स्वामी जी केवल भ्रमों की भूख, भ्रम बढ़ेंगे हमको ये हो जाएगा ये हो जाएगा, नाना जन्म धारण करते हुए भी उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भैया स्वामी जी महाराज के शरणार बिंदों में अनन्य रति करते हुए सिंहदास नाम जाप करते हुए आप लोग आगे बढ़िए, तुम परम बलभागी। बोलो स्वामी जी तो सब जीवन को सुखदाता सब थोड़सों गुण ले अवगुण ले, अवगुण तो लीजिए नहीं गुण में कीजिए शीश, हमको अवगुण नहीं लेना है गुण लेना है सब थोर से। इसलिए आचार्य प्रवर श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ललित किशोरी देव जी महाराज ललित मुनि देव जी महाराज श्री बिहारी देव जी महाराज स्वामी जी महाराज सभी महापुरुष जो है एक स्वर से मुक्त कंठ से रसिक अनन्यता की महिमा का वखान करते हैं। बोलो स्वामी जी आज का प्रश्न मन मेरे भजिल श्री कुंज नारी वचन का शुभ